फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 6.18 है, व्हाट इज द रोल ऑफ क्रायोलाइट इन दी मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिना। तो एल्यूमिना की मेटलर्जी में क्रायोलाइट का क्या रोल होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो जरा, जो हमारा एल्यूमिना है इसका फॉर्मूला Al2O3 होता है। इस एल्यूमिना के इलेक्ट्रोलिसिस से हमें एल्यूमिनियम मेटल जो है वो मिलता है। तो अगर हमें एल्यूमिनियम मेटल चाहिए तो हमें इस एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलिसिस कराना होता है, और ये एल्यूमिना हमें बॉक्साइट ओर से मिलता है। तो इस एल्यूमिना के इलेक्ट्रोलिसिस में प्रॉब्लम ये आती है कि एक तो ये बैड कंडक्टर होता है, क्यों? क्योंकि इसकी लैटिस एनर्जी जो है वो बहुत 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 ज्यादा होती है, इस कारण ये आयोनाइज नहीं हो पाता। लैटिस एनर्जी ज्यादा होने का रीजन ये है कि एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, इनके पे चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा है, इस कारण इनकी लैटिस एनर्जी हाई है, और हाई लैटिस एनर्जी के कारण ये आयोनाइज नहीं होते, और आयोनाइज नहीं होंगे तो बैड कंडक्टर हो जाएंगे। फिर दूसरा रीजन ये है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा है, कितना है, 2000 डिग्री सेल्सियस। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है 2000 डिग्री सेल्सियस, तो आप जब इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो आपको ये टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना होगा, जो कि बड़ा मुश्किल काम है। तो इन दोनों मुश्किलों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एल्यूमिना में कुछ एडिशनल सब्सटेंस ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है वो Al2O3 के साथ हम इसमें ऐड कर देते हैं क्रायोलाइट Na3AlF6, और इसमें ऐड कर देते हैं फ्लोरस्पार CaF2। ये 20% होता है, ये 60% होता है, और ये 20% होता है, ये हम ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा Na3AlF6 कहलाता है वो तो क्रायोलाइट कहलाता है, Na3AlF6 ये ऐसा होता है सोडियम फ्लोराइड और AlF3, ठीक है, ये एक डबल सॉल्ट है। और जो हमारा फ्लोरस्पार है वो कैल्शियम फ्लोराइड कहलाता है। जब आप इस रेशियो में मिक्सचर को लेते हो तो मेल्टिंग पॉइंट जो है डिक्रीज हो जाता है, कितना हो जाता है, अब 900 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो एक तो हमारी ये प्रॉब्लम खत्म हो गई कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई था, अब मेल्टिंग पॉइंट कितना हो गया, 900 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाएंगे। दूसरा ये है कि ये बैड कंडक्टर होता है, तो चूंकि सोडियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम फ्लोराइड और कैल्शियम फ्लोराइड ये तीनों सॉल्ट मिलकर क्या करते हैं, एल्यूमिना की कंडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। तो ये और ये दोनों तकलीफें जो है वो दूर हो गई। अब सपोज के आपने 2000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी मेंटेन किया, मतलब आपने ये सब्सटेंस जो है वो ऐड नहीं किया, और एल्यूमिना का आपने इलेक्ट्रोलिसिस कराया, तो जो कैथोड पे एल्यूमिनियम मिलेगा उस एल्यूमिनियम का बॉइलिंग पॉइंट पता कितना होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 1800 डिग्री सेल्सियस। मतलब एल्यूमिनियम कैथोड पे ठहर ही नहीं पाएगा, वो वेपर बन के उड़ जाएगा। इसलिए हमें मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करना ही है किसी भी कीमत में, इसलिए हम ये सब्सटेंस जो है वो ऐड कर देते हैं इस रेशियो में, तो टेम्परेचर हमारा 900 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब इनके परसेंटेज हमने हाई क्यों किए, ताकि टेम्परेचर जो है वो कैसा हो जाए, डाउन हो जाए, और ये हमारा कैसा हो जाए, गुड कंडक्टर हो जाए। अब देखो रिएक्शन जो है वो कैसे होती है, एनोड एंड कैथोड की रिएक्शन जो है वो कैसे होती है, एनोड पे रिएक्शन। तो एक प्रिंसिपल ये है कि ये जो हमारा सोडियम फ्लोराइड एल्यूमिनियम फ्लोराइड है ये आयनाइज हो जाते हैं, तो AlF3 ये आयनाइज होकर क्या बनाता है, Al+3 एंड F-। F- जो है वो कहां जाएगा, ये जाएगा एनोड पे, तो क्या करेगा, डिस्चार्ज होगा, तो F- एक इलेक्ट्रॉन निकाल के F बनाता है, और दो F मिलके क्या बन जाएंगे,
एफ टू। अब ये एफ टू बना हुआ है, वो क्या करता है एल टू ओ थ्री, ये तो बैड कंडक्टर होता है। अब फ्लोरीन जो है वो रिएक्ट करके क्या बना लेता है एल एफ थ्री बना लेगा, और क्या बनाएगा ऑक्सीजन को अलग कर देगा। ठीक है, इक्वेशन को कर लेते हैं बैलेंस, ये इधर थ्री करोगे ठीक है और ये थ्री बाई टू हो जाएगा। तो एल एफ थ्री हमारा जो हमने यूज किया था वो हमको फिर से मिल गया, और एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलिसिस भी हो रहा है बिना आयोनाइजेशन के। अब ये जो ऑक्सीजन एनोड पे गई है, अब चूंकि ये एनोड एंड कैथोड जो है ये कार्बन से बने होते हैं, ये भी कार्बन से होता है और ये भी कार्बन से बना होता है, तो ये जो ऑक्सीजन है वो करती क्या है, कार्बन से ऑक्सीजन कंबाइन होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगी, अगर ऑक्सीजन की ज्यादा सप्लाई है तो CO2 भी बन सकता है। तो एनोड पे हमको क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है हमको, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है ठीक है, ऑक्सीजन भी निकल सकती है। अब कैथोड पे रिएक्शन देखते हैं, कैथोड पे तो Al प्लस थ्री है, ये तीन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा से हमें एल्यूमिनियम मिल जाएगा। अब ये एल्यूमिनियम वेपराइज नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट तो 1800 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन यहां पे ये रिएक्शन कितने पे हो रही है 900 डिग्री सेल्सियस पे, 900 डिग्री सेल्सियस पे ये जो हमने मिक्सचर लिया हुआ था वो मेल्ट हो जाता है। तो ये हमारा क्रायोलाइट का रोल हो गया एल्यूमिना के इलेक्ट्रोलिसिस में।